एक्सपो 2020 दुबई यूएई की बात करने से पहले मैं यूएई और दुबई की जो लीडरशिप है उनको सलाम पेश करना चाहता हूं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने 10 साल की अनथक कोशिशों के बाद आज एक्सपो 2020 का आगाज कर दिया है, इफ्तिताह कर दिया है, पूरी दुनिया को वेलकम किया है। 192 मुल्कों की शराकत के साथ तकरीबन 200 पवेलियन बनाए गए हैं। मेरा ओपनिंग से पहले एक बार चक्कर लगा और महसूस हुआ कि पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग एक जगह पर इकट्ठी हो गई है, दुनिया के बड़े बड़े माइंडसेट एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। उससे पहले इस चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी कि इंसान 30-35-40 साल पहले एक विजन बनाता है, सोचता है कि हमने एक्सपो को अपने मुल्क में लेके आना है, और दुनिया से कंपेयर करें तो एक छोटा सा मुल्क एक फोकस के साथ उस ड्रीम को पूरा करने के लिए पिच करता है और जीतता है। जीत कर 10 साल की मेहनत के बाद एक कामयाब और दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो कंडक्ट करने में कामयाब हो जाता है। ये सिर्फ विजन की बात है और फोकस की बात है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर कोई इंसान कहता है कि मेरी कामयाबी किसी और की वजह से रुकी हुई है तो वो गलत फहमी का शिकार है। इंसान जो चाहे अगर मेहनत करे, फोकस करे, दुबई यूएई उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अपने मुल्क के लिए जितनी मेहनत से ये लीडरशिप काम करती है, बाकी मुल्कों को इनसे सीखना चाहिए। ये हमारा दूसरा घर है। मुझे 18 साल अक्टूबर में मुकम्मल हो गए हैं यूएई में आए। यूएई ने मुझे क्या दिया? एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने इतने साल फलां मुल्क को दे दिए, उसने मुझे क्या दिया? ऐसा नहीं होता। वो मुल्क सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, मौके देता है, करना आपको खुद होता है। मुझे 18 साल में इस मुल्क ने, यूएई ने बहुत कुछ दिया है, मेरी ज़िंदगी बदली है। ये मेरा दूसरा घर है और मैंने भी फ़ख्र के साथ 85 मुल्कों का सफ़र करके इस दूसरे घर का और अपने पहले घर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। लोग आज भी याद करते हैं। ये तालीमात हैं हमारी इन दोनों घरों की, पाकिस्तान और यूएई की। मैं एक्सपो से आपको मुकम्मल रिपोर्टिंग शेयर करूंगा, पाकिस्तान का पवेलियन भी अंदर से दिखाऊंगा। वैसे तो आप दूसरे लोगों से ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह मेरे चैनल से भी आप ज़रूर देखेंगे। ये सारी चीज़ें शेयर करने का मतलब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में फोकस है, डिटर्मिनेशन है, ईमानदारी है, अपने साथ लगाव है और कुछ करने की ठान ली है तो यकीनन आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े 150 से ज़्यादा शहरों का विज़िट किया हुआ है। अगर उन सारे शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर को इकट्ठा किया जाए, विज़न को इकट्ठा किया जाए, आप यकीन कीजिएगा आप हर चीज़ दुबई और यूएई के अंदर देख सकते हैं। और ये बड़ी बात होती है, छोटे छोटे वॉशरूम से ले कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक एक विज़न नज़र आता है, एक फोकस नज़र आता है। लगता है इंसान का इतना पागलपन है, मतलब फोकस्ड है। मैं ये पागलपन अक्सर ये वर्ड यूज़ करता हूँ पैशन के लिए, कि इंसान कहता है कि मुझे दुनिया का नंबर वन बनना है। जब इंसान सोचता है, फोकस करता है, तब जाके वो अचीव भी करता है। तो आज एक्सपो ने प्रूव किया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो है और ग्रेटेस्ट वेंचर है। आज 192 मुल्कों के लोग इकट्ठे होके पूरी दुनिया में अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, अपना आप दिखा रहे हैं, सिर्फ एक्सपो 2020 दुबई यूएई की वजह से। मैं आपको अंदर से रिपोर्ट करूंगा। इस विज़न को फॉलो करें, फोकस करके फिर देखें और लर्न करें कि आपकी ज़िंदगी, आपकी कामयाबी आपके अपने हाथ में है। ये सिर्फ एक्सपो एक इवेंट नहीं है 6 महीने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सबक है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा से पूरी यूएई की और दुबई की लीडरशिप को मुबारकबाद।